Vice President Raji for Mr. Shivam Dosre and Dr. Jigmeet Yangchar. तो ये कुछ है टारगेट्स मीनिंगफुल एंड सस्टेनेबल चेंज इन आवर रीजन थ्रू पार्टनरशिप विद ऑर्गेनाइजेशन लाइक हिमोतन सोसाइटी एंड द लेन न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट द एक्सिस बैंक फाउंडेशन हैज रिसेंटली सैंक्शन ए 5-year प्रोजेक्ट टाइटल सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट विच विल बी जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड बाई हिमोतन सोसाइटी एंड लेन न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट. This project running from April 2024 to March 2029 that aims to create sustainable livelihoods in rural villages of Ladakh through a variety of farm-based and non-farm-based interventions. We have an engaging agenda lined up for you today, including presentation from Axis Bank Foundation, Himotan Society and Lean Nutrition Project. जैसा कि नाम है Axis Bank का एक charitable trust है और हम 2006 में रजिस्टर हुए थे और पहले कुछ सालों में हमने प्राइमरीली एजुकेशन पे और ट्रॉमास हाईवे ट्रॉमास पे काम किया. पर हमने बिकॉज बैंक से हमारा ऑब्वियसली जेनेसिस है तो काफ़ी हमारा फोकस था कि हमारी जो कम्युनिटी है अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी है उनको इनकी इनकम पे उनके लाइवलीहुड पे कैसे काम किया जाए. तो सन 2010 में हमने एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोग्राम लॉन्च किया एंड उसके तहत हमने एक एम्बिशन लिया कि हम 1 million सबसे जो वल्नरेबल परिवार हैं हमारे देश के उनके साथ हम काम करेंगे. तो हम काफ़ी थ्रू डिफरेंट पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स हैं जो आप देख सकते हो. मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम इज वन प्रायोरिटी फॉर अस. वी हैव फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग माइक्रो एंड फोकस ऑन इम्प्रूविंग नेचुरल रिसोर्सेज. क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत सारा डाइवर्स परिवार की तरह फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है और करीब 150 साल पहले इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था और इसमें 150 साल से कंटिन्यूस जो टाटा ट्रस्ट है टाटा ट्रस्ट के भीतर बहुत सारे ट्रस्ट हैं जैसे सर रतन टाटा ट्रस्ट है जमशेद जी टाटा ट्रस्ट है टाटा एजुकेशन ट्रस्ट है नवज भाई रतन टाटा फंडिंग सपोर्ट रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए वीकर सेक्शन के लिए सपोर्ट करते हैं. तो मेनली जो उनका सपोर्ट पूरे कंट्री में है कंट्री नहीं कंट्री से बाहर भी सपोर्ट करते आए हैं फंडिंग सपोर्ट करते आए हैं. तो उसमें जो मेजर प्रोग्राम है वो लाइवलीहुड के प्रोग्राम में सपोर्ट करते हैं ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के लिए सपोर्ट करते हैं एजुकेशन का प्रोग्राम आर्ट्स एंड कल्चर्स के लिए न्यूट्रिशन के लिए और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के लिए. तो आप जानते हैं इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है IISc बेंगलोर है बहुत सारे जो प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो टाटा ट्रस्ट के माध्यम से इस्टेब्लिश किए गए हैं. और आज हमें अभी आप सुबह कंडोलेंस भी हुआ था बड़ा दुख भी है कि इस मौके पे हम दुख इस बात का है कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग हमने खोया है और एक अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट जो बड़े देशभक्त थे और हमारे कंट्री में जो वल्नरेबिलिटी कम्युनिटी है उनके लिए बहुत सोचते थे. सेंट्रल और वेस्टर्न हिमालयन रीजन का एक इनिशिएटिव है जिसको हिमोत्थान के कहा गया है हिमोत्थान हिमालय का उत्थान अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालय. तो इसी तरीके से टाटा ट्रस्ट ने पूरे कंट्री में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है अलग अलग रीजन के लिए. तो इसको और हिमाचल में प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसका नाम था हिमोत्थान परियोजना और उसमें फिर 2002-03 में उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ में सपोर्ट किया था. उसमें 2 बोर्ड बनाए थे उत्तराखंड ऑर्गेनिक बोर्ड उत्तराखंड बैम्बू एंड फाइबर डेवलपमेंट बोर्ड उसमें सपोर्ट किया था और 10 पार्टनर NGO के साथ मिलके उत्तराखंड और हिमाचल में ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया था. देन दो ये हमारा मेन मकसद है एम्पावरमेंट ऑफ रूरल पोर तो उसको लेके हम काम करने जा रहे हैं.
ऑर्गेनाइजेशन का विजन है डेवलपमेंट कॉन्शियस ऑफ इट्स एनवायरनमेंट लोकल पीपल कल्चर ड्रिवन बाय पीपल प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अलग अलग अर्थ अलग अलग डिफाइन किया जाता है अपने 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 ओर से। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो पुरानी हिसाब से उसका जो डिफिनेशन है वो लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्ग लास्टिंग जो इम्पैक्ट हो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। जो इसके साथ अभी जो यूनाइटेड नेशंस का वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की परिभाषा के हिसाब से जिसमें तीन पिलर्स है जिसमें सोसाइटी है जो सोसाइटी में सोशल इंक्लूजन हो सोसाइटी में इक्विटी हो और इसके अलावा इसके साथ ये प्रमोटिंग इकोनॉमिकल ग्रोथ हो और इसके साथ तीसरा जो पिलर है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ यही तीन पिलर के ऊपर बनाया है। एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है जो अभी एक्सिस बैंक स्किल बेस्ड फूड क्राफ्ट इको टूरिज्म जो इनिशिएटिव यहाँ पे एक्सिस बैंक फाउंडेशन एंड टाटा ट्रस्ट ने लिया है दोनों ने उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा बिकॉज लाइवलीहुड में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्पेशली लद्दाख जैसे एरियाज में और सस्टेनेबल लाइवलीहुड को लेके जो इनिशिएटिव यहाँ पे वो ले रहे हैं उसको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। और जिस तरह से स्टार्टिंग में ब्रीफ किया गया था कि ऑलमोस्ट 60 विलेजेस एंड 7000 हाउस होल्ड यहाँ पे कवर किए जाएंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स के प्लान में अप टू 2029 तो ये बहुत ही अप्रिशिएबल इनिशिएटिव है। मुझे याद है जब एक्सिस बैंक मेरे पास आता था मैं बार बार उनको रिक्वेस्ट कर रहा था कि CSR एक्टिविटीज़ लद्दाख में की जाए तब हम बैंकिंग बिजनेस कुछ देंगे गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसके लिए भी मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपने मेरा ध्यान रखा और यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लाइवलीहुड के बारे में LMFA के हमारे जो साहब ने बताया है यहाँ पे लाइवलीहुड लद्दाख में क्यों ज़रूरी है। अभी हम सारे लोग बोलते हैं कि टूरिज्म डिपेंडेंट हमारी इकोनॉमी यहाँ पे चलती है बट मेजरमेंट तो हमने किया नहीं। हमारा GDP स्टेट GDP वाला काम चल रहा है तो उसमें पता चल जाएगा कि इतना परसेंटेज टूरिज्म यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है लेकिन अगर ओवरऑल सिनेरियो में देखा जाए 3-4 सेक्टर्स जो है यहाँ पे लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं लद्दाख में। टूरिज्म बेसिक हो गया हमारा होम स्टेज हो गया होटल्स हो गए टूर ऑपरेटर्स टैक्सी या ट्रांसपोर्ट वाले जो हमारा 6-8 महीने का सीजन चलता है मेन वर्क। उसके बाद मेन एम्प्लॉयमेंट हमें BRO से आर्मी से मिलता है यहाँ पे जो रूरल एरियाज़ में काम होते हैं सड़कें होगी हमारी बाकी सारे कंस्ट्रक्शन वर्क्स में गवर्नमेंट एक मेजर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है लद्दाख में। और उसके बाद में हमारा एग्रीकल्चर है अलाइड एक्टिविटीज़ आता है तो अगर चांगथांग बेल्ट हम देख ले वहाँ पे तो एनिमल हस्बेंड्री शीप हस्बेंड्री का मेन रोल है। शाम साइड में देख ले तुर्तुक साइड में देख ले तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स का मेन रोल है। तो जिस तरह से प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया गया है स्पेशली एग्रीकल्चर को फोकस में रखते हुए वो यहाँ की लोकल इकोनॉमी लोकल ज्योग्राफी क्लाइमेटिक कंडीशन उसको देख के रखा हुआ है तो वो भी बहुत अच्छा है कि जिसमें आप प्रोग्रेस करोगे जिसमें हम काम कर पाएंगे। लद्दाख में पिछले 3-4 साल से जब से UT बनी है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ पे UT एडमिनिस्ट्रेशन का गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। आपने देखा होगा कि लद्दाख ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट्स जो कि काफ़ी सक्सेसफुली चल रहा है यहाँ पे ऑलमोस्ट 2000 प्लस हमने ग्रीन हाउसेस डिस्ट्रीब्यूट किए हुए सब्सिडी पे 75% सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और उससे लोकल प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके साथ साथ चांगथांग डेवलपमेंट पैकेज हो जो कि ईस्टर्न लद्दाख को कैटर करता है और उसके बाद में हमारा मिल्क प्रोडक्शन को लेके हो इम्प्रूवमेंट ऑफ ब्रीड्स को लेके हो हॉर्टिकल्चर को लेके हो स्पेशली जैसे कि जब UT बनने से पहले लद्दाख का एप्रिकॉट फ्रेश एप्रिकॉट कभी एक्सपोर्ट नहीं होता तो वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। तो इन सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा फोकस है और फोकस पे में हम चाहते हैं कि इसमें काम हो सो दैट लोगों की इनकम बढ़े। ट्रेनिंग का बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग करने से वो फल हमारी NGOs हमारे यहाँ पे जो जिन्हें जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस सेक्टर में काम करते हैं प्लस जो है हमारे जमींदार जो है सब मिल के आगे बढ़ेंगे कदम रखेंगे तब जाके जो है ये सेक्टर खुशहाल होगा और ये जो है सेक्टर जो है आगे बढ़ेगी यहाँ पे लद्दाख में। तो जिसके लिए एक अहम खिदमत में जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है बाकी डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स है जो NGOs है वगैरह है उनके लिए उनकी नॉलेज में ये मैं देना चाहूँगा कि जिस तरह से कोलेब्रेशन की बात करती है तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है बहुत वक्फे से जो है हम यहाँ पे
डिफरेंट फ्रूट्स प्लांट्स को या एरिया को बढ़ाने के लिए हम जो है इम्प्रूव कल्टीवर्स के हम सैपलिंग्स हम बाहर से भी ले आते हैं, अपनी नर्सरियों में भी हम पैदा करते हैं, अवेलेबल कराते हैं। लेकिन उसमें जो है यहाँ की ट्रेडिशन ये है कि हम ऑटम सीजन में जो है केटल जो है छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी तमाम मेहनत जो है ज़ाया हो जाते हैं। तो उसमें आज की जो ये है कि कोलोबेशन अगर इसमें ऐसा हो जाता है कि प्लांट्स हम दे देते हैं, हम डिफरेंट स्कीम हमारे पास है, तो इसको फेंसिंग करने का कुछ हमारे जो फेंसिंग का जो क्वेश्चन है वो हमारे एनजीओ की तरफ से अगर हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में प्लांट्स का यहाँ पे मतलब लगने में वो दुश्वारी नहीं होगी और अच्छी सी मतलब यहाँ की एरिया जो है बढ़ जाएगी और प्रोडक्शन जो है नेचुरली आने वाले सालों में जो है नेचुरली हमारे यहाँ की प्रोडक्शन जो है बढ़ जाएगी। तो इसके बाद का शकील रहमान से बोलने को कहूँगा सर, आज के जो प्रेजेंटेशन आपने देखा और ज़्यादातर जो इसका प्रेजेंटेशन का फोकस है एग्रीकल्चर बेस्ड लाइवलीहुड, तो एग्रीकल्चर एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है इस प्रोग्राम के लिए, तो आप तो जिसे साहब ने बोला इसमें कोलेबोरेशन पार्टनरशिप डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ होना चाहिए, तो आप कौन कौन से एरियाज में क्या क्या पोटेंशियल से आपका एक्सपीरियंस है? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट एंड थैंक्स Access Bank Foundation for sponsoring this project Sustainable Livelihood, जो कि इस वक्त की ज़रूरत है, खासकर हिमालयन रीजन में जहाँ हम देख रहे हैं दिन ब दिन क्लाइमेट चेंज और इसकी इम्पैक्ट की वजह से हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वाटर स्कैसिटी बढ़ रहे हैं और हमारे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं हमारे फार्मर्स को। तो इस पीरियड में आपका ये प्रोजेक्ट लॉन्च करना टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड और टाइम पे इम्प्लीमेंट करने का सबसे इसका श्रेय यहाँ के एक्सिस बैंक के ब्रांच मैनेजर मिस्टर समीउल्लाह को मैं देना चाहूँगा। ही हैज बीन वर्किंग सिंस अ लॉन्ग टू मेक अ सक्सेसफुल इवेंट, क्योंकि कई टाइम से ये मेरे रबते भी रहे डिपार्टमेंट के साथ, सजेशन लिए हैं कैसे हम इस चीज़ों को प्रैक्टिकली बनाएं, तो आज उस स्टेज पे हम पहुँच चुके हैं और साथ के साथ हिमोथन एंड एलएनपी को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट आप लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ऑल्दो यू हैव स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट्स, तो हाँ अब इसमें जिस तरह आप लोग ने कहा डिपार्टमेंट एलाइड डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर और एनिमल जितने भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं इनका आप लोग सहयोग चाहिए होगा, तो इसके लिए हम पहले भी एलएनपी के साथ कारछोटा के साथ हमने कई बार डिस्कशन भी किए और कुछ फार्मर्स को ट्रेनिंग भी हमने इम्पार्ट किए हैं। तो इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगा। Since post independence, since 1965, agriculture was one of the premier department working in the field of agriculture towards the sustainability. इसमें agriculture department खासकर लोगों में seed distribution से लेके farm machinery से लेके और नए नए जो technologies से अभी आप देख रहे हैं लगा ग्रीन हाउसेस, इवन कि हम बहुत सारे इतने विंटर स्टोरेज का भी हम फैसिलिटीज दे रहे हैं, इवन कि यहाँ प्रोडक्शन फॉर द वर्मी कंपोस्ट के लिए हम फिर दे रहे हैं, ये सारे स्कीम्स अलग अलग हमारे बहुत सारे स्कीम्स अभी फार्मर बेनिफिट के लिए दे रहे हैं। यही फोकस रहता है, क्या कमी रहा है, क्या किस तरह से करना चाहिए, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, ये आप ट्रेडिशनल बहुत रिजिलियंट है अपने आप में कम्युनिटी के द्वारा, आपको लगता है कि उस वो कहीं डाइल्यूट हो रहा है क्या पिछले कुछ सालों में? ऐसा डाइल्यूट यानी कि थोड़ा वो हाँ यहाँ शुष्कन सिस्टम हो गया है, जो गाँव में पानी को मैनेज करते हैं अब वो सिस्टम अब खत्म हो रहा है। मैं कहता हूँ उसको भी स्ट्रेंथन करने की बहुत जरूरत है, अब शुष्कन सिस्टम को आप स्ट्रेंथन करने उसे दो हम तो उसके हमें दो फायदा है, एक तो वो जो जितने पानी अवेलेबल हो इक्वली बेनिफिट पूरे गाँव वाले को मिलेगा। सेकंडली आप देखो ना समाज में पानी के लिए काफ़ी झगड़े होते हैं, एक भाई दूसरे भाई के साथ झगड़े करते हैं, एक तो वो ये झगड़ा खत्म हो जाएगा सब चीज पर जाएगा। और ये इससे क्या होता है शुष्कन सिस्टम से एक तो पानी बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा, वो पूरा देखभाल करते हैं, पूरा उसका जिम्मा होता है कैसे कहाँ इसको कितना दिन कितने टाइम देना है कहाँ उसके बाद किसको देना है
पूरा उस सिस्टम उसको मेंटेन करते हैं, इसलिए उसको सिस्टम बुक करने का बहुत जरूरी है। जो आई अभी सिंगल ऑन चीज बना रहा है और जो आई स्टूब बना रहा है उसमें तो वो है ना क्या बोलते हैं बहुत आदमी चाहिए, इस साल बनेगा तो समाज भी पूरा बिगड़ जाएगा, अगले साल फिर बना हमारे लिए तो सबसे अच्छा है जो विंटर में ऊपर से जो छिमिक होता है ना छिमिक से पानी आ जाए उसको रात लगा के रखो तो कम से कम 4-5 साल तो ऐसे चलेगा फिर इसके बाद रिपेयर कर सकते हैं ये। और एक अबल रोस्पे ने हमारे गाँव मीरपुर में बनाया एक नाला जैसा, फिर वहाँ से नाला जैसा बनाया, फिर सर्दी में उसमें पानी डालो फिर बीच बीच में पाइप निकलाए पूरा जो मैदान खाली होते ना उसमें पूरा ड्रॉप चल जाते, वो भी ठीक है उसमें थोड़ा सा दिक्कत है जब सर्दी के टाइम में हम खुद जाके उसको थोड़ा सा मेंटेनेंस करना पड़ता है। हमारे फार्मर के लिए सबसे बेस्ट तो वो है क्या बोलते हैं रात लगाकर में ज़्यादा इन्वॉल्व थे, और अब जाके आप लोग एनिमल हस्बेंड्री में जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उसको लेके आप आगे बढ़ने के सोच रहे हैं, तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के चलते मैं ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा यहाँ पे जितने भी गेस्ट्स हैं और हमारे एमपीओस हैं, तो पिछले एक साल से डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ हम लोग यहाँ पे पास्टोरेशन प्लांट चला रहे हैं, तो आज के डेट में हम 6000 लीटर्स पर डे की कैपेसिटी से प्रोसेस कर रहे हैं मिल्क को, और मिल्क को हम आर्मी को सप्लाई कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्शन और उस प्रोसेसिंग के बाद जो मिल्क के बाद जो रेवेन्यू आता है उसकी बात करूं तो मैं हम एक महीने में हम तकरीबन 1,22,00,000 का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और इसी को हम पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करने का इसमें कॉन्सेप्ट ये है सर कि जैसे मान लीजिए कि मिल्क का जो वैल्यू बन के हम जो बेचते हैं मिल्क को, तो मिल्क मान लीजिए 100 रुपये का अगर बिकता है तो उसमें से 87 रुपीज जो है मिनिमम 87 रुपीज हम उसी प्रोड्यूसर को वापस ला के देते हैं जिसने मिल्क प्रोड्यूस किया है, और जो 30 रुपीज़ का जो मार्जिन रहता है वो प्लांट के प्रोसेसिंग चार्जेस या उसके जो स्टाफ हैं वहाँ पे उसको इन्वॉल्व करने के लिए रखते हैं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर अगर हम उस मिल्क के टर्नओवर को देखें तो वो 17 करोड़ है आज के डेट में, और बहुत जल्द हम इस प्रोसेसिंग प्लांट को 10,000 लीटर तक लेके जा रहे हैं, तो उसके बाद तो हम 25 करोड़ पर ईयर टर्नओवर का टारगेट देख रहे हैं। तो जस्ट लाइक टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम हॉर्टिकल्चर एंड अदर डिपार्टमेंट्स, इसमें ऐसा है कि सर अंटेरियो अलायंस एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड नहीं बन सकता, क्योंकि लाइव स्टॉक जब तक नहीं होगा तो आपके पास ऑर्गेनिक मैन्योर नहीं होगा, आपके पास ऑर्गेनिक मैन्योर नहीं होगा तो आपका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट विच मीट्स आवर present needs without compromising the ability of future generations to meet their own. So we really need to preserve our natural resources, not just for the current needs, meeting the current needs, but for the future generations to meet their own needs. So as I am representing here Axis Bank, I take care of the business for Axis Bank in Kashmir and Ladakh. I would like to give a brief introduction about our bank. Axis Bank is third largest private sector bank in India, started its operations in year 1994, providing the wide range of financial services to different customer classes, which starts from large corporate groups, mid corporate groups, MSMEs, agriculture center, and most importantly, the retail business part. का एक दिन का ये इवेंट एक्सिस बैंक फाउंडेशन की ओर से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्योंकि एक्सिस बैंक फाउंडेशन की जानिब से एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट हिमोथन सोसाइटी और LNP के पार्टनरशिप कोलैबोरेशन में लद्दाख में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और ये ले और करगिल डिस्ट्रिक्ट दोनों में मिला के कुछ 60 गाँव और कुछ 7000 पॉपुलेशन को कवर करेगा। तो ये प्रोग्राम 5 साल के लिए चलेगा, क्योंकि ये 2020 मार्च 2024 से लेकर अप्रैल 2029 तक इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
तो यही इसका मकसद है कि आज के इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए एक्सिस बैंक फाउंडेशन की ओर से वाइस प्रेसिडेंट श्री अबीन हुसैन साहब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। इनके साथ इनका सीनियर प्रोग्राम मैनेजर मिस ईशा जी भी आए हैं। तो आज की इस प्रोग्राम जो है ना डीसी साहब के चीफ गेस्ट में शुरू हुआ, तो बेसिकली ये जो जितना भी डिपार्टमेंट है ले हमारे यहाँ खासकर इस प्रोजेक्ट में फार्म बेस्ड लाइवलीहुड और नॉन फार्म बेस्ड लाइवलीहुड के ऊपर फोकस किया जा रहा है। फार्म बेस्ड लाइवलीहुड में खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर, जो हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री के डिपार्टमेंट ने यहाँ पर शिरकत की। तो बेसिकली एक कोलेबोरेशन पार्टनरशिप को प्रमोट करने का, जो आने वाले सालों में जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा एक कोलेबोरेशन मोड पे प्रोग्राम को चलाया जाएगा। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऐसे अभी हम पैनल डिस्कशन में काफ़ी मतलब इसके ऊपर चर्चा किया, खासकर ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जैसे छुरफन है, छुरस है, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, ये सब इस प्रोग्राम में इंक्लूड है। इसके अलावा खासकर ये वाला प्रोग्राम खासकर वाटर जो स्कार्सिटी जो हमारे गांव में खासकर प्रॉब्लम्स वाटर स्कार्सिटी का प्रॉब्लम है उसको भी एड्रेस करने का इसमें पॉसिबल ऑप्शन है। इसके अलावा साथ ही साथ जो फार्म बेस में जो हमारे ट्रेडिशनल क्रॉप्स है, बार्ले है, पीस है, या उसके ऊपर भी प्रोडक्शन से लेकर इसका वैल्यू एडिशन से लेकर इसको मार्केटिंग जिस तरह से करेंगे इसके ऊपर भी इस प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। जी जी जी, खासकर ये आप इसके बाद जो लाइन डिपार्टमेंट है खासकर एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री और हॉर्टिकल्चर के साथ हमने पहले भी इनके साथ बार बार मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि जो प्रोग्राम चलाना है इनके साथ ही चलाना है, तो ज़्यादातर एक्सपर्टीज जो इनके पास है। तो ये जो डीसी साहब ने बोला ये कोलेबोरेशन में, पार्टनरशिप में, आपस में सहयोग करके चलाना है, इसके ऊपर प्रोजेक्ट में ही इनबिल्ट है जी।